वैश्विक महामारी कोरोना पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की सराहना करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नरेंद्र मोदी द्वारा देश विकास के पथ पर अग्रसर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री के अथक प्रयास और सूझबूझ से वैश्विक महामारी कोरोना पर अंकुश लग सका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आर्थिक पैकेज से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के साथ लघु एवं कुटीर उद्योग को बढ़ावा मिलेगा तथा इससे प्रवासी मजदूरों को जोड़कर उन्हें भी रोजगार मुहैया कराया जा सकेगा। इस संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, वैश्विक महामारी कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को जिस मजबूती के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने निरंतर अपने मार्गदर्शन से आगे बढ़ाया है, आज भारत पूरी दुनिया के लिए एक रोल मॉडल बना है और पूरी दुनिया के अंदर भारत के इस अभियान को और आदरणीय प्रधानमंत्री जी इसके अभियान को हर मंच पर सराहना मिली है। हम सब आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, जिन्होंने निरंतर इस देश को प्रधानमंत्री के रूप में एक अभिभावक के रूप में अपना योग्य मार्गदर्शन समय समय पर दिया है और इस महामारी के खिलाफ चौथी बार देश को संबोधित, देश की जनता से सीधे संवाद स्थापित किया है अपने संबोधन के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने। और हम सब आभारी हैं कि आज कोरोना संकट से उभरने के लिए देश के गरीब के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम के लिए और प्रवासी श्रमिकों के लिए फेरी नीति से आच्छादित होने वाले ठेला, खोमचा, रेहड़ी, पटरी व्यवसायी या अन्य रोज कमाने वाले उन सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़े आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। 20 लाख करोड़ रुपए के इस आर्थिक पैकेज के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता की ओर से उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। मुझे विश्वास है कि इस बड़े आर्थिक पैकेज के माध्यम से न केवल उत्तर प्रदेश का एमएसएमई सेक्टर, जिसे हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से एक नई ऊंचाइयां प्रदान करने का प्रयास किया, कोरोना संकट के कारण उनके सामने कुछ विषम स्थितियां आई थी, ये आर्थिक पैकेज उन्हें एक बार फिर से आगे बढ़ने के लिए एक नया संबल होगा। इसमें कार्यरत हमारे लगभग 45 लाख से अधिक जिसमें कामगार हैं, श्रमिक हैं, जो शिल्पकार हैं, उन सबको भी एक नई जान मिलेगी। साथ साथ उत्तर प्रदेश में 20 लाख के आसपास प्रवासी श्रमिक आने वाले हैं, 10 लाख अब तक आ चुके हैं और आगामी 10 दिन के दौरान मेरा अनुमान है कि 10 लाख के आसपास और आएंगे, यानी 20 लाख से अधिक जो प्रवासी कामगार और श्रमिक आएंगे, इन सबको के कल्याण के लिए भी एक नई दिशा हमें प्राप्त होगी। प्रदेश में पहले से ही बहुत बड़ी मात्रा में ठेला है, खोमचा है, रेड़ी है, पटरी व्यवसायी हैं और अन्य फेरी नीति से आच्छादित होने वाले बहुत बड़ी मात्रा में वे लोग हैं जो डेली अपना कमाते हैं, खाते हैं। ऐसे लगभग 15 लाख की संख्या में हमारे इस प्रकार के परिवार और उस प्रकार के कार्य करने वाले लोग यहां पर पहले से मौजूद हैं, जिन्हें हम लोगों ने पहले ही कोरोना संकट आने के तत्काल बाद भरण पोषण की व्यवस्था की थी। उन सबको भी एक नया संबल इससे प्राप्त होगा। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को, देश के सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम को
देश के आर्थिक स्वावलंबन के आधार इस सेक्टर को एक नई जान फूंकने के लिए जो इस बहुत बड़े आर्थिक पैकेज की घोषणा की है, इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं और मुझे विश्वास है कि उनके मार्गदर्शन में हम कोरोना पर विजय प्राप्त करेंगे और प्रत्येक नागरिक को न केवल कोरोना से सुरक्षित करेंगे अपितु आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने में भी। इस प्रकार का आर्थिक पैकेज हम सबके लिए एक बहुत बड़ा संबल का कार्य करेगा। मैं फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद।